हेलो गाइस, शुरू कीजिए ट्रेडिंग जर्नी हमारे साथ। हमारे अंडर ओपन करें डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट और आपको मिलेगी हमारे इंट्राडे प्रीमियम चैनल्स की फ्री मेंबरशिप और हमारे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी। उसके लिए आपको करना क्या है, इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन करना है तो आपको जस्ट यहाँ से क्लिक करना है। तो एक वेब पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है, कंटिन्यू करना है तो आगे की ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सब कुछ क्लियर है। तो अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर के ऊपर कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके। तो ट्रायल्स के लिए आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के ऊपर क्लिक करें। हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। आज 350 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली निफ्टी इंडेक्स में। जो न्यूज़ चैनल पे खबरें दिखाई जा रही थी कि फिर से लॉकडाउन हो सकता है, उसका साफ तौर पे प्रेशर निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिला। फ्राइडे का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। सबसे पहले रिव्यू करते हैं फ्राइडे का। फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 15,030 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 14,898। तो ये 5 मिनट का चार्ट आज कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। रेंज के बीच में निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ और जैसे ही टूवर्ड साउथ की तरफ आया, ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट 14,871 यहाँ पर अचीव हुआ। सपोर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, बाउंस बैक भी हुआ यहाँ से, लेकिन जैसे प्रेशर देखने को मिल रहा था आज फिर से ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट 14,846 ये भी यहाँ पर अचीव हुए और जैसे ही सेकेंड टारगेट के नीचे आर्ली चार्ट में सस्टेन करने लग गया और भी जबरदस्त गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। तो फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग अगर आज ट्रेड करते तो अराउंड 26 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था। 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 19,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था फ्राइडे के एनालिसिस का एक रिव्यू। अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, यानी ट्यूजडे 23 फरवरी के लिए, तो इसके लिए आर्ली चार्ट पर चलते हैं। ये आर्ली चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का। निफ्टी इंडेक्स अगर ये जो लेवल है, यानी अराउंड आज का जो लो बन रहा है 14,635 के आसपास है आज का लो, तो यहाँ पर अगर कंफर्टेबली अगर ब्रेक करता है आज के लो को निफ्टी इंडेक्स कल, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते। उसके अगर जस्ट थोड़ा नीचे चला जाए तो कुछ दिनों पहले, काफ़ी दिनों पहले, यानी 9-10 दिनों पहले यहाँ पर एक आर्ली चार्ट में कैंडल क्रिएट हुआ है, उसको लॉन्ग टेल इसने छोड़ दिया है। तो यहाँ से एक फिर से बुल्स का प्रेशर, बुल्स की एक्टिविटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। तो 14,577 के नीचे चला जाता है निफ्टी इंडेक्स, तो ही इंट्राडे के लिए हम कल यानी ट्यूसडे को शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 14,540, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 14,500, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये कल के अगर ब्रेकडाउन लेवल को ब्रेक होता है तो ये इंट्राडे लेवल्स है और अगर टूवर्ड्स ये नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस फेस किया है पास्ट में। तो अराउंड दिस लेवल यहाँ पर एक स्विंग लो भी बना है इस लेवल के आसपास। तो 14,739 के ऊपर अगर सस्टेन करता है निफ्टी इंडेक्स तो ही इंट्राडे के लिए कल हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 14,759, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 14,786, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के लेवल्स है। बैंक निफ्टी के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं उसको देखते हैं। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट कुछ इस तरह से आज दिखाई दे रहा था। यहाँ पर भी फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट दोनों भी अचीव हुए। तो कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं बैंक निफ्टी में, इसके लिए आर्ली चार्ट पर चलते हैं। यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ 60 मिनट का चार्ट। अगर लास्ट दो कैंडल्स देखे आज तो इनसाइड बार ट्रेडिंग फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो साफ तौर पे अगर इनसाइड बार का अगर ब्रेकडाउन हमें मिलता है, यानी आज के लो के नीचे अराउंड 35,070 के नीचे अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 34,943, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 34,803, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा।
और अगर टूवर्ड्स ये नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो आज जहाँ पर हमारा ब्रेकडाउन लेवल था आप देख सकते हैं पास्ट में यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट किया हुआ है काफ़ी टाइम, तो हो सकता है अभी ये जाके रेजिस्टेंस का काम करे। तो अराउंड 35,529 के ऊपर अगर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी इंडेक्स तो ही एंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं, और फर्स्ट टारगेट तभी होगा 35,630, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 35,751, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स है कल के लिए यानी ट्यूसडे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।